ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराता, ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज, खबरों का बादशाह। दबंग ग्राम प्रधान ने उड़ाई विकास कार्यों की धज्जियां, 5 वर्ष में विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार। पीएम नरेंद्र मोदी का पूरे भारत में शौचालय बनाने का सपना अधूरा रह गया। ग्राम प्रधान पति महिपाल सिंह के कार्यकाल में विकास के नाम पर सिर्फ धांधली देखने को मिला। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के ग्राम नगला गुलाबी का है, जो इस ग्राम मौजा से 6 गाँव जुड़े हुए हैं और जहाँ विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही नजर आता है। चाहे वो शौचालय हो, बिजली हो, सड़कें हो, नाली नाले हो, चाहे वो आवास हो, इनसे जुड़ी और भी कई चीजें हैं जो यहाँ के हुए विकास को एकदम नकार देती हैं। आइए आपको ले चलते हैं शौचालय की ओर, जहाँ भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को पूरे भारत में ODF घोषित कर दिया था, यानी खुले में शौच से मुक्त कर दिया था। लेकिन मैनपुरी जनपद के नगला गुलाबी से जुड़े 6 गाँव ऐसे हैं जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकास के नाम पर सिर्फ धांधली ही किए हैं। कई लोगों के यहाँ शौचालय का निर्माण ही नहीं, शासन को फर्जी रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है और उसी फर्जी रिपोर्ट पर प्रशासन ने जिले ODF घोषित कर दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। एक नज़र इस वीडियो पर भी। जी हां, इसी तरीके से गरीबों के लिए आवास भी मुहैया कराए गए हैं, लेकिन आवास एक भी गरीब को नसीब नहीं हुआ। देखिए कैसे एक ग्रामीण इन झोपड़ी में गुजर बसर करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा निंदा इस बात की, इस ग्राम प्रधान ने तो धांधली की हद ही कर दी। मृतक आदमियों के फर्जी जॉब कार्ड बनाकर कई लोगों के पैसे भी निकाले जाते हैं, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत होती है। खुदी पड़ी सड़कें जो बयां कर रही है, और इन गांव के लोगों की जो बेरुखी बयां कर रही है कि पूर्व प्रधान के होने पर भी यहां विकास का कार्य पूरा का पूरा मरा ही है। आखिर कब तक चलेगी यह धांधली का चक्रव्यूह? क्या शासन प्रशासन ऐसे भ्रष्ट मामलों और ग्राम प्रधानों व अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी, जिससे जनता को उनका हक मिल सके और ऐसे भ्रष्ट लोगों को सजा मिल सके? क्या नाम है आपका? राम अवतार। किस गांव के निवासी हैं? नगला गुलाबी। क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है कि हमारे पैसे का यही पता ही नहीं लगा कि हमें ना मिला है, और हमारी कागज में कंप्लीट सब दर्शाई देंगे। किस चीज़ का पैसा था? शौचालय। शौचालय अभी तक नहीं मिला आपको? कितना समय हो गया? लगभग कई साल होगी? दो साल। अप्लाई किया था आपने? हाँ, हमारा नंबर भी लिस्ट में था। किसके द्वारा अप्लाई किया था? ये जो लिस्ट नहीं आती है उसमें लिखने आए थे। उसमें हमारा यहाँ से लिखे लगे थे, ब्लॉक से आया होगा ना। तो अभी तक शौचालय नहीं मिला आपको? कागज में कंप्लीट है। क्या नाम है आपका? मायाराम त्यागी। किस गांव के निवासी हैं आप? मैं नगला गुलाबी का निवासी हूँ। अच्छा, एक आरोप लगाया जा रहा है मृतक अरविंद कुमार। जी, तो ये लगाया जा रहा है कि प्रधान ने इनके जॉब कार्ड बना के घोटाला किया, किस तरह का मामला है, पूरी बात बताएं। ये अरविंद सनौप सूरजपाल मृतक लगभग 16 में, और यही इसका सामने मकान है जो खंडर पड़ा हुआ है, और इसका जॉब कार्ड बना के अपने नाम पैसा निकाला जा रहा है। अभी तक कितना मतलब पैसे निकाल चुका होगा? करीब 15-16 हज़ार। 15-16 हज़ार। जॉब कार्ड संख्या 16। तो ये कहाँ उसकी मृत्यु हुई थी? इसकी मृत्यु कैलई मौजा में हुई थी, फिरोजाबाद जिला में, सुजायतपुर गांव। कितना समय हो गया समझो? 4 वर्ष से ज़्यादा हो गया। 4 वर्ष से ज़्यादा। क्या नाम है? नंद किशोर। किस गाँव के निवासी हैं आप? नगला गुलाबी। अच्छा, ये जो जिस सड़क पे आप खड़े हैं, क्या ये आपकी है? जी। अच्छा, ये कब बनाई गई थी, कितना समय हुआ? पिछले मतलब प्रधानी बनी थी। अच्छा, पूर्व प्रधान के समय में, कार्यकाल में बनाया गया था? बनी नाथ बल बोलने लगे थे या खरंजा के उखड़ी भी रहती जो। हाँ, वह मतलब उठाए गए हमने, खुद
अच्छा, आपने खुद ही इसको लगा दिया? खुद लगा दिया, लगा दिया। प्रधानपति के द्वारा किस तरीके का पैसा निकाला गया इस जगह पर? मामला एक सामने आया है कि ये सड़कें आपके मौजूदा प्रधान ये कह रहे हैं कि हमने ये सड़कें बनाई, खरंजे बनवाए और पैसा निकाल लिया गया। अभी तो नहीं बनाई, अभी नहीं बनाई।